हेलो स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 10th आई एम गोइंग टू स्टार्ट. इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू हाउ टू शो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 1, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, in your previous question, in your last question, you have understand that how to show any positive integer is in the form of 4q or 4q plus 1, this type of question. Now look here, so that square of any positive integer is in the form of 3m or 3m plus 1. ये क्वेश्चन है आपका कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m plus 1 के फॉर्म में होगा. ऐसा आपको यहाँ पे प्रूव करना है. ठीक है, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल में या फिर एक्सरसाइज में मिल सकता है. देखिएगा, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, सबसे पहले लेट करेंगे. लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने माना a कोई पॉजिटिव इंटीजर है. एंड इफ वी डिवाइड a बाय 3, जब हम a को जो पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट किया है जब हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट क्यू एज अ क्वेश्चन एंड आर एज अ रिमाइंडर. हमको क्वेश्चन क्यू मिलता है और रिमाइंडर आर मिलता है. ठीक है, हमें प्रूव करना है 3m plus 1. जब याद करिए लास्ट क्वेश्चन में हमको प्रूव करना था 4q और 4q plus 1, तो हम यहाँ क्यू ले रहे थे. लेकिन जब स्क्वायर वाले क्वेश्चन में अगर प्रूविंग में m है या n है तो यहाँ पे क्वेश्चन हम m नहीं लेंगे, क्यू लेंगे, वो m बाद में होगा. ठीक है, क्यों यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन मान रहा है, अगर यहाँ क्यों लिखा होता तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और लेते. ठीक है, अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे. तो a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट किया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू क्या लेंगे, 3. b क्या होता है, जिससे a को डिवाइड करते हैं. यूक्लिडीज में आप पढ़ चुके हैं ये चीज. ठीक है, तो b की वैल्यू हमने 3 ले लिया, 3 से डिवाइड करेंगे तो q क्वेश्चन मिलेगा और r रिमाइंडर. सो नाउ अप्लाइंग यूक्लिडीज डिवीजन लेमा. जब यूक्लिडीज डिवीजन लेमा अप्लाई तो क्या आएगा, a is equal to 3q plus r. बताया गया है ये इक्वेशन में a को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन q और रिमाइंडर r. डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. यहां पे रिमाइंडर क्या होगा आपका, 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 से स्मॉलर होगा, तो रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 3. ठीक है, अब रिमाइंडर के तीन केस हो सकते हैं इसमें. जब किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर के तीन केस होंगे. फर्स्ट केस, या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा और 2 होगा, 3 नहीं हो सकता. तो देखिए, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर यहां रिमाइंडर 0 होगा तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q. रिमाइंडर 0 रखेंगे यहां पे, a इज इक्वल टू 3q आएगा. अब आपका इस क्वेश्चन क्या है, स्क्वायरिंग स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. यहां भी क्या आया कि जो पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट किया था वो किस फॉर्म में है, 3q. अब इसका स्क्वायर किस फॉर्म में होगा ये आपको प्रूव करना है. तो आप क्या करेंगे यहां पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे यहां पे तो क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर. ये क्या आ रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 9q स्क्वायर. 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इनटू 3q स्क्वायर. राइट, ध्यान दीजिए, 9 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, 3 और 9 यही दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम ये लेट कर लेंगे 3. अब 3q स्क्वायर जो है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल m. ये यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सिंस स्मॉल q इज इक्वल टू सॉरी स्मॉल m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. ध्यान दीजिए, जब रिमाइंडर 0 लिए थे तो a इक्वल टू क्या था, 3q. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, इधर a स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर. 9 को हमने लिख दिया 3 into 3 क्योंकि हमें प्रूव करना है 3m फॉर्म में. अभी क्या आ रहा है, 9q स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है. तो इसको जब लिखे तो 3q स्क्वायर इन ब्रैकेट में इसको हमने क्या लेट कर लिया, स्मॉल m, क्योंकि हमें प्रूव करना था वेयर m इज एन इंटीजर. आप q की वैल्यू रखते जाओ, इंटीजर आता चेंज होता जाएगा, 1 रखोगे 3 आएगा, 2 रखोगे 2 या 4 3 12 आएगा. तो यहां पे इसकी जगह क्या आ गया, अगर हमने इसको m लेट कर लिया 3q स्क्वायर को क्या आ गया, 3m. तो क्या प्रूव हो रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m. क्लियर है. अब अगर रिमाइंडर आपका 1 होगा तो इसको थोड़ा इधर लिख लीजिए,
रिमाइंडर अगर आपका मैं 1 लेता हूं, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 तो क्या हुआ, यहां रिमाइंडर 0 के लिए हो गया, रिमाइंडर f m लेंगे यहां क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3 q प्लस 1 आएगा, राइट हियर a इज इक्वल टू 3 q प्लस 1। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये पॉसिबल इंटीजर का स्क्वायर या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, राइट। यहां पे आप क्या करिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड इन आरएचएस एलएचएस स्क्वायर करेंगे, या 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3 क्यूब इनटू 1, ठीक है 2ab सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 2ab, तो यहां 9 q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 3 जा 6 q, ठीक है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर ये आ गया आपका। आपको प्रूव करना है इस फॉर्म में, कैसे करेंगे, अब यहां देखिए, यहां पे q स्क्वायर है, यहां पे 6 q है, इन दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए बस, q भी कॉमन है बट q कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हमको प्रूव करना है वहां m है q नहीं। देखिए यहां पे इन दोनों में कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे इसमें सब, तो यहां से अगर 3 निकालना क्या हो जाएगा, 3 q स्क्वायर, ध्यान दीजिए 3 q स्क्वायर, देखिए 3 3 जा 9 q स्क्वायर और प्लस 6 q में 3 अगर आप कॉमन ले आए हैं तो क्या बचा 2 q, 3 2 जा 6 q, राइट, और ये वाला 1 आप लास्ट में लिख दीजिए प्लस 1 बना कर दीजिए, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये इतना, इस पूरे को क्या हम लेट कर लें, m क्या आ गया 3m प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ब्रैकेट में जो लिखा था 3 q स्क्वायर प्लस 2 q स्क्वायर में क्या लेट किया स्मॉल m, जैसे यहां पे 3 q स्क्वायर में m लेट किया, मतलब ये हमको शो कर रहा है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो इस फॉर्म में एक्विडिस अप्लाई करोगे इस फॉर्म में आएगा, अब रिमाइंडर अगर केस की बात है, रिमाइंडर 0 आया तो ये 1 आया तो ये जो रिमाइंडर आएगा उस फॉर्म में आप चेक कर सकते हो, तो यहां पे हमने m लेट किया तो किस फॉर्म में आ रहा 3m प्लस 1, तो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, तो 0 रखने पे 3m फॉर्म में आया, 1 रखने पे 3m प्लस 1। अब ये केस और है 2, क्योंकि 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर अभी आपका 2 भी बच सकता है, कैसे करेगा आप, देखिए प्रूव करना था या तो 3m होगा और 3m प्लस 1, ठीक है, देखिए थर्ड केस क्या है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, रिमाइंडर अगर 2 हो गया तो फिर a इज इक्वल टू क्या होगा, यहां 3 क्यूब प्लस r है, क्या हो जाएगा यहां पे 3 क्यूब प्लस 2, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करिए 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब यहां a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिए, a स्क्वायर चल रहा है, अब यहां क्या आएगा देखो 3 क्यूब स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यूब स्क्वायर प्लस, यहां देखिए 2 3 या 6 6 2 या 12 क्यूब प्लस 12 क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है 2 का स्क्वायर 4, ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर 4, 2 3 या 6 2 या 12, ओके। अब प्रूव करना था आपको या तो 3m फॉर्म में है या तो 3m प्लस 1, ये दोनों फॉर्म आपको प्रूव करना है, तो यहां पे देखिए इन दोनों में कॉमन है 3, इसमें 4 में तो 3 है नहीं कॉमन, तो फिर कैसे होगा, या तो 3m चाहिए या तो 3m प्लस 1 फॉर्म में चाहिए, आप इसको 4 को क्या लिख सकते हो, देखिए 9 q स्क्वायर प्लस 12 q प्लस 3 प्लस 1, 4 को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं 3 प्लस 1, यहां पे इन तीनों में आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 q कॉमन ले, 3 कॉमन ले, यहां क्या बचा 3 3 जा 9 q स्क्वायर, यहां 3 4 जा 12 q और प्लस 1, यहां 3 कॉमन ले लिए और बचे 3 जा 3 और ये प्लस 1 आप बाहर रखिए ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहां ये जो ब्रैकेट में लिखा है इस पूरे पार्ट को आप क्या करेंगे, जैसे यहां किए हो, लेट दिस पार्ट इज इक्वल टू स्मॉल m, किस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1, अगेन आपने क्या देखा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर a इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, हमें ये प्रूव करना था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में होगा, देखिए फर्स्ट फॉर्म ये रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 1 है या रिमाइंडर 2 है, तीनों केस आपके सामने है, सुन रहे हो, तो जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर वाले केस में आप क्वेश्चन क्यों लेते हो, बाद में उसको
इस तरह से सेट करना है आपको, जो प्रूव करना है, जो 3m करना था, यहां से 9 को हम लिखे 3 into 3, क्योंकि हमें 3m प्रूव करना था, तो ब्रैकेट में उसको m लेट कर लिए। यहां भी यदि करा था, हमको पता था इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिए, कॉमन और भी क्यों भी कॉमन है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि प्रूव करना है 3m + 1, तो 3 कॉमन लिए, बाकी इन दोनों में जो ब्रैकेट बचा इसको लेट कर लिए स्मॉल m, और m को इंटीजर है, अभी आप यहां पे q की जगह 1 रखिए, तो 3 1 3 4 1 4 और 4 1 5 और 3 8 m की वैल्यू 8 आ जाएगी। 2 रखोगे यहां पे, 2 2 4 3 12, और यहां पे 2 4 8 12 8 20 और 1 21 आ जाएगा m की वैल्यू, तो m इज एनी इंटीजर। तो फॉर एनी इंटीजर m हमें क्या प्रूव करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। ओके, इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको बताए गए थे आप एक्सरसाइज से लगाइए, फिर जो आपको नहीं समझ में आता है आप पूछिए। ओके, ये क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेथड। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेथड से आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिए जैसे आपके पास कोई दो नंबर है 408 एंड 170, दो नंबर आप ले लीजिए, कोई क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, तो इन दोनों नंबर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय दिस मेथड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेथड। तो एलसीएम एचसीएफ आपको बताया गया, आप देख क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप पहले से जानते हैं, डिविजन मेथड से आप निकाल सकते हो, और इक्विडीज मेथड बताया गया। तो ये बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेथड ये क्या है, देखिए इन दोनों के बीच का आपको क्या फाइंड एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो सेम वैसा ही करना है, देखिए 408 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 408 कैसे करेगा, 2 2 4 0 2 4 8 2 1 2 0 2 4 2 5 10 2 1 2 3 1 3 3 21 71 70। ठीक है, ये 408 का क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको आप क्या ले सकते हो 2 into 2 into 2, तो ऐसे ये ठीक है into 3 into 17, तो आप इसको लिख सकते हो 2 power 3। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में आप लिखिए 2 power 3 into 3 into 17, ये 3 power 1 है, 17 power 1 है, 2 आपका 3 टाइम्स आया है तो 2 power 3 हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको लिख देना है पावर फॉर्म में। अब देखिए 170 है, 170 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 2 8 16, 1 2 5 10, 3 कैसे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 8 5 13, 5 से कटेगा, 5 1 5 5 से 35, 17 1 20। तो ये 170 का क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5 into 17। तो इस तरह आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको इसी करने पर डायरेक्ट आप एक्सपोनेंट पावर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, जैसे आप डायरेक्ट इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, क्या था 2 power 3 into 3 power 1 into 17 power 1, यहां भी आ रहा है 2 power 1 5 power 1 17 power 1, एक बार होती है। ठीक है, तो आप एलसीएम फाइंड करने से पहले आप एचसीएफ देखिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपको एचसीएफ फाइंड करना है इसका, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 408 एंड 170 कैसे करोगे, देखिए HCF में जो आपका लीस्ट ये पावर होता है, ठीक है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो कम से कम कहाँ पे 1, स्मॉल 1 आपका सबसे छोटा है, तो जहाँ पे जो छोटी पावर है 2 पावर 1 यहाँ है, 2 पावर 3 तो 2 पावर 1 आप यहाँ लिखो, ठीक है, और 3 पावर 1 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 17 पावर 1 यहाँ पे, यहाँ भी है, तो दोनों जगह पावर इक्वल है, तो 17 पावर, तो पावर वन लगाने की जरूरत नहीं है, लगा सकते हो आप, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए होता है, जैसे 3 power 2 होता है, यहाँ पे 3 power 1 होता है, तो लीस्ट पावर को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे सेम पावर है 1, यहाँ तो 3 है ही, तो नहीं लिखेंगे, 17 यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था पावर, दोनों की पावर सेम है, इसलिए दोनों एक बार यहाँ पे आपने नोट कर लिया, लीस्ट पावर को नोट कर लेना है, तो ये क्या आया 17 2 34, ये आपका हो गया एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, एलसीएम ऑफ 408 एंड 170 ऐसे कैसे फाइंड करोगे, जो हाईएस्ट पावर हुआ आपको नोट कर लीजिए 2 power 3, ये 3 की जो हाईएस्ट पावर हो, 3 यहाँ पे ये यहाँ आ रहा है,
दोनों जगह नहीं, आप यहाँ पे वन पावर है आप लिख लो, एचसीएफ में दोनों में होना चाहिए कॉमन, लेकिन एलसीएम में क्या है, थ्री पावर वन है यहाँ पे, आप यहाँ नोट कर लीजिए, फाइव पावर वन यहाँ पे है, फाइव नोट कर लो, 17 दोनों जगह पावर वन है, एक बार लिख लो, क्योंकि हाईएस्ट पावर लिखनी है तो 17 भी तो हाईएस्ट पावर वन ही है, तो आप वन लिख लो, टू क्या हाईएस्ट पावर थ्री थी, टू पावर थ्री लिख लिया, अब थ्री क्या है हाईएस्ट पावर वाला नहीं है, एक है ही, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे वन हाईएस्ट पावर है, एक बार लिख लिया, फाइव यहाँ है, यहाँ लिख लिया, ठीक है, तो क्या आ रहा है, टू पावर थ्री क्या होता है एट, ठीक है, टू फोर टू या एट इंटू थ्री फाइव या फिफ्टीन इंटू 17 क्या आया, 15 एट या 120 इंटू 17, ठीक है, 17 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 17 टू 34 4 3 कैरेट 71 17 और 3 20 ये आपका हो गया एलसीएम, ठीक है, मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा, 15 एट या 120 17 34 3 कैरेट, ओके, तो समझ गए, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो सेम वैसे, बस यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है, और एक्सपोनेंट में जो लीस्ट पावर है वो कॉमन लो एचसीएफ फाइंड करने के लिए, और एलसीएफ फाइंड करने के लिए जो हाईएस्ट पावर है वो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा और सॉल्व कर लीजिए, एलसीएफ हो गया आपका, ठीक है, ऐसा होता है कि जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं, फिर जो बचता है वो नोट कर लिया जाता है, तो टू कॉमन है एक बार लिख लोगे और दो यहाँ बचेगा तो वो दोनों आप नोट करोगे टोटल थ्री हो जाएगा, तो वो सीधा बताया जा रहा है कि टू पावर थ्री आपका हाईएस्ट पावर है, इसमें नोट करो, तो ये मेथड है आपका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का बाय अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेथड, ओके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेगा, जो कई क्वेश्चन है, तो चार क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए, फिर नहीं आता है तो पूछिए, और स्क्वायर ऑफ जो भी मैंने पहले बताया इसके पहले जो क्वेश्चन बताया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, फिर चैप्टर फर्स्ट में जितने भी एक्सरसाइज है आपको सभी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है करिए, फिर जो नहीं आता है आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, ओके, थैंक यू।